आज बहुत ही पावन दिन है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस हम सब मना रहे हैं और हर चीज़ का महत्व है, हम सभी के ज़िंदगी में महत्व है। इस चीज़ को पाने के लिए, जिस चीज़ को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने, हमारे देश के वीर शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर के आज हम आज़ादी के साथ इस अभियान को मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं और अगर समय रहते हर एक भारतवासी, जैसे कि होता क्या है कि ये बुरा मानने वाली बात नहीं, आप भी रियलाइज़ करते होंगे कि 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तो हमारे मोबाइल की कॉलर ट्यून वगैरह बदल जाती है ना, दो दिन खूब भक्ति वाला बजेगा, फिर उसके बाद जैसा एज इट इज़ होता है वैसे ही होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो खूब हम राखी वाले गाने बजाते हैं अपने मोबाइल में और एकदम पक्के ऐसे हो जाते हैं कि कोई महिला अगर जाती है तो हम निगाह नीचे करके, कुछ कुछ लोगों की बात बोल रहा हूँ, निगाह नीचे करके चले जाते हैं, लगता है कि एकदम सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म होता है फिर हमारी आँखें उसी तरह से ऊपर होनी शुरू हो जाती हैं कुछ लोगों की। तो इस तरह के भाव विकार आते हैं, तो बदलाव हमें ही करना, हर एक चीज़ में बदलाव हम ही करेंगे तभी जा करके होगा। मकसद क्या है यहाँ पे, जैसे कि बात हो रही है संगठन की, सपोज करिए मैं अगर अकेला कुछ करता हूँ, अकेला मैं कुछ करता हूँ, सोचा मैंने, मैंने कुछ लोगों से बात किया, आप लोगों से बात किया, तो आज इस अभियान ने एक नया रूप लिया, एक इसका आकार मुझे दिखने लगा कि हाँ अब इसमें कुछ लोग आ गए हैं जो काम कर रहे हैं। तो अब क्या फ़र्क नज़र आने लगा पहले से और अब में, जब मैं पहले करता था तो मुझे एक या दो घंटे मिलते थे, ठीक है, आज 1500 लोग हैं तो उस हिसाब से 1500 घंटे पर डे कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए काम हो रहा है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है ना। आज के दिन को छोड़ दीजिए, आज के दिन को छोड़ दीजिए, तो कोई एक व्यक्ति अपने दिल से सोचे फ्लैशबैक में जाकर कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। जो कुछ कर रहे हैं हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, सही है कि नहीं। हम सुबह जाते हैं काम करने, या जो टीचर होता है पढ़ाने जाता है, हम नौकरी करने वाले हैं तो अपने काम पे लग जाते हैं, पत्रकार बंधु अपनी पत्रकारिता में व्यस्त हो जाते हैं, शाम हो जाती है, घर पे आ जाते हैं, खा फिर के सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, स्नान ध्यान करके फिर वही अगले दिन का काम शुरू कर देते हैं, जो पिछला किया हुआ काम है उसी को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे, इस देश का तो हमारे ऊपर कर्ज है ना, है कि नहीं है, तो हमें ही सोचना होगा। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कुछ उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम आगे बढ़ के चले जा रहे हैं लेकिन हमने ना शायद सामने वाले की ज़रूरत को समझते हुए हमने उसकी मदद नहीं की। अगर कर देते तो शायद उसको उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाता, निजात मिल जाता। तो हम सब अगर ऐसा नहीं करते हैं, किसी की मदद नहीं करते, तो हो सकता है जो आज परिस्थिति मैं दूसरे के लिए देख रहा हूँ अपनी आंखों से, कल को मेरे साथ भी हो सकता है। तो जब आप किसी की मदद को आगे नहीं आएंगे तो कोई आपकी मदद करने को तैयार नहीं होगा, सही है कि गलत है। तो हम सभी को संगठित होकर के समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो कुरूतियाँ हैं, उनको दूर भगाने का प्रयास करना है और संगठित प्रयास से ही इसको, इस पर विजय पाई जा सकती है या इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो एक अभियान शुरू किया गया है। इसमें एक चीज़ बात बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर दूंगा मैं अपनी, एक चीज़ का बात आता है कि मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा सा उसको भी मैनेज करके चल लेते हैं, ठीक है। मात्र एक घंटा आपकी लाइफ का, डेली एक घंटा चाहिए आपकी ज़िंदगी का, 24 घंटे में से एक घंटा बहुत आसानी के साथ आप दे सकते हैं। जिस जगह से भी आप अच्छाई का विस्तार दे सकते हैं, जिस जगह से भी आप बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, उस जगह पर आपको काम करना है। 24 घंटे में हम लोग 8 घंटा अगर काम करते हैं तो 8 घंटा काम करते हैं, और अमूमन कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर नींद की ज़रूरत है तो 6 घंटे से ज़्यादा वो नहीं सोता, तो 8, 6, 14 घंटे हो गए। अगर हमने काम भी कर लिया 8 घंटे और 6 घंटे हमने सो लिया, 8, 6, 14 हो गए। अब पकड़ लीजिए सुबह उठे आप, नहाना धोना, खाना पीना, 4 घंटा मेरे हिसाब से पर्याप्त होता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। 14, 4, 18 घंटा हो गया, 4 घंटा फेसबुक व्हाट्सअप दोस्त वोस्त मिला लीजिए सब कुछ, 22 घंटा हो गया, फिर भी 2 घंटा बचेगा, उसमें से भी 1 घंटा ले लीजिए, हो सकता कुछ काम छूट गए रहें, बस 1 घंटा अपने देश को समर्पित कर दीजिए, अपने देश के बारे में सोचिए, इसकी बेहतरी के बारे में सोचिए, है ना। मैं किसी एक व्यक्ति के या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोलूँगा, देश की जो दशा है वो सभी जानते हैं किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है। आजकल पॉलिटिक्स भी एक बिजनेस बन गया है और उसको बस अपनी दुकान चलाने के तौर पे देखा जा रहा है, देश सेवा से उसका कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आपको समझ में आ जाती हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन उन्हें वहाँ पे नहीं लगता गलत, वो उसी चीज़ को जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें बस अपना धंधा चलाना है।
तो हम लोग अगर नहीं जागेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे अपने देश के बारे में, तो फिर दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए, है ना। जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, अगर आज की परिस्थितियों में वो होते तो शायद उनकी भी आत्मा जो है ना चित्कार उठती कि भाई इसलिए थोड़े ना आज़ाद कराया था देश को। तो हमें सोचना है, हमें बदलना है, संगठित होकर के हर चीज़ को कंट्रोल में करना है, क्राइम को ख़त्म करना है। जहाँ भी कहीं क्राइम होता है तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देना है। हमारा पुलिस के साथ भी एक ऐसा कोलाबरेट, एक ऐसा रिलेशन है कि अगर हम उनको मदद करते हैं, हमें भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी हमारी मदद के लिए विवश नहीं है, बाध्य नहीं है। उस संविधान के हिसाब से जिन धाराओं में हमारे काम होते हैं उसके हिसाब से उनको भी हमारी मदद करनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह से इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है और समाज में जो कुछ भी अच्छाइयाँ उसको फैलाना है, जो बुराइयाँ उसको ख़त्म करने का प्रयास करना है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें।